गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम चलने वाले हैं लखनऊ टू गोला गोकर्णनाथ, जो कि डालीगंज स्टेशन पे हम आ चुके हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं। और अब चलते हैं स्टेशन के अंदर और लेते हैं टिकट, मिलते हैं सीधे ट्रेन में। और ये लिखी हुई है कुछ जानकारी, रेलवे टिकट कैसे प्राप्त करें ऑनलाइन। सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है डबल डेकर, ये हमारी नहीं जाएगी, हमारी दूसरी गाड़ी है 1:22 पे। और ये रहा टिकट काउंटर, जो कि हमने प्राप्त कर लिया है यहाँ से। ये रहा हमारा टिकट, अब सीधा चलते हैं प्लेटफार्म की ओर। हमारी गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 1 पर आएगी। ये रहा कुछ डालीगंज स्टेशन का नज़ारा, जो कि पुल के ऊपर से ऐसा लगता है। हमारी ट्रेन आ रही है सामने से छुक छुक की आवाज करते हुए। और हमारी ट्रेन चल चुकी है छुक छुक करते हुए। अब हम पहुंच चुके हैं बक्सी तालाब रेलवे स्टेशन। ट्रेन के अंदर साइकिल, जैसे जैसे बोलो और इस दूर पे समोसे पानी बोतल के दो ऐसे दुकानदार आपके पास आते रहेंगे। और हमारी गाड़ी कमलापुर को बाय बाय करते हुए। आप लोग इसे जानते हो तो बताओ।
ऐसा आ चुके हम खैराबाद रेलवे स्टेशन, जहाँ इमामबाड़ा स्थित है और कई पर्यटक स्थल हैं यहाँ पे। आप लोग चाहें तो आ सकते हैं, और हमारा वीडियो भी यहाँ का बना चुके हैं, यूट्यूब पे पड़ा है। अगर आप लोग देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ का देख सकते हैं जाके। इधर खड़ी हुई है मालगाड़ी, जिसमें अभी माल लोड किया जा रहा है। वो बंदा देखो बोरे उतार रहा है, साथ गेहूँ धान कुछ भी हो सकता है। इधर देखो ये खड़ी हुई ट्रक, जिससे माल लोड किया जा रहा है। इधर भी ये जिस रूट से गाड़ी आ रही है, ये सीतापुर से आया है और गोंडा की तरफ गया हुआ है। ये इस टाइम बंद वे है, अब टू वे होने जा रहा है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. सीतापुर के आगे जैसे हम निकले, वहाँ से हमें गेहूं के फसल के खेत दिखे, और कुछ खेतों से फसल कट के जा चुकी थी, कुछ में काटी जा रही थी और उनसे फसल निकाली जा रही थी। और इस क्षेत्र में काफ़ी ऊसर बंजर भी ज़मीन पड़ी हुई है। ये है हरगांव चीनी मिल, जो कि रेलवे स्टेशन से आधा राइट साइड में है तो आधा लेफ्ट साइड में। ये आप लोग सामने देख सकते हैं, ऊपर से ओवरब्रिज टाइप में गया हुआ है,
इसी से इधर से उधर मेट्रो इसका काम किया जाता है, चीनी मिल का ये जो ओवर ब्रिज ऊपर निकला अभी। अब काफ़ी पुराना ये चीनी मिल है, यहाँ बन रहा है लाइट हाउस जो कि अब ट्रेनों को लाइट यहीं से दी जाएगी। फिलहाल अभी तक इस रूट पे कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है लाइट वाली। गाइस हम पहुंच चुके हैं भोला गोकर्णनाथ। गाइस ये रहा भोला गोकर्णनाथ का रेलवे स्टेशन जो कि बाहर से देखने पैसे लगता है। सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। सामने रहा ये भोला गोकर्णनाथ से मंदिर जाने की गली जो कि मुश्किल से यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे होगी। तब तक के लिए